हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी रश्मि। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, लेसन 5, जो कि है माय स्कूल डेज। ठीक है, मेरे विद्यालय के दिन। ठीक है, तो ये चैप्टर इसी थीम पर बेस्ड करके बनाया गया है, तो आइए हम इसे देखते हैं। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लव टू गो टू द स्कूल? क्या तुम्हें स्कूल जाना पसंद है? और डेफिनेटली इसका आंसर क्या होगा? यस, क्योंकि विद्यालय जाना तो सबको पसंद होता है, खासकर कोविड के टाइम पे। पिछले 2 साल से जिस तरीके से स्कूल बंद है, अभी सभी स्कूल जाना चाहते हैं, सभी को अच्छा लगता है ना। तो सेकंड क्वेश्चन, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट? सब्जेक्ट यानी विषय, और लाइक का मतलब होता है पसंद, एंड विच मैंने कौन सा, यानी आपको कौन सा विषय पसंद है। तो ये तो सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, किसी को इंग्लिश पसंद हो, किसी को हिंदी, किसी को मैथ, है ना। बट चूंकि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसका आंसर भी क्या लिखेंगे, इंग्लिश, ENGLISH। बट आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद हो। सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। कैन यू गेस हूज स्कूल डेज यू वी आर गोइंग टू रीड अबाउट? क्या तुम गेस कर सकते हो कि यहाँ पर हम लोग किसके स्कूल डेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? तो यस, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि आपको इस कहानी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो आप गेस नहीं कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नो। जब हम कहानी पढ़ लेंगे तो हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं। ओके, लेट्स रीड, स्टार्ट करते हैं। आइए। वन मॉर्निंग, एक सुबह, आई वेंट टू बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल। एक सुबह मैं बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल गया विथ माई मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, ठीक है, मामा जी के साथ। एक सुबह मैं बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल जो है अपने मामा के साथ गया। द क्लास टीचर गेव मी, गेव का मतलब होता है दिया, ठीक है, गेव यानी दिया, क्या दिया, गेव मी ए फ्यू, फ्यू यानी कुछ, PW फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, टू क्वेश्चंस, क्वेश्चंस यानी प्रश्न, टू आंसर एंड ऑल्सो अ फ्यू सम्स टू सॉल्व। क्लास टीचर ने मुझे कुछ क्वेश्चंस दिया, प्रश्न दिया, एंड आंसर्स करने के लिए, एंड ऑल्सो, और क्या दिया, फ्यू सम्स, सम्स का मतलब होता है सवाल, ठीक है, गणित के जो सवाल होते हैं उसको हम लोग सम्स बोलते हैं, सवाल, टू सॉल्व, सॉल्व यानी हल करना, सॉल्व यानी SOLVE, सॉल्व, सॉल्व यानी हल करना, ठीक है। तो क्लास टीचर ने मुझे कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स दिया और कुछ सवाल दिया, ठीक है। आई रोट द आंसर, मैंने उत्तर लिखा, सॉल्व द सम, सवाल को भी सॉल्व कर लिया, हल कर लिया, एंड शोड देम टू द टीचर, और उसे दिखाया, शोड का यहाँ पे क्या होगा, दिखाया, इसको दिखाया क्लास टीचर को। He went through the answer and nodded. उन्होंने, अब जो क्लास टीचर है, उन्होंने देखा और देखने के बाद आंसर को देखा और देखने के बाद nodded. Nodded यानी सर हिलाना. Nodded. Nodded का मतलब होता है सर, आप कह सकते हो सिर हिलाना, सिर हिलाया. His gesture. Gesture का मतलब होता है भंगिमा, यानी वो जिस तरीके से बैठे हुए थे या वो उस वक्त जो सोच रहे थे, जो हाव भाव उनके चेहरे पर था, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गेस्चर, गेस्चर यानी भंगिमा, ये भाव भंगिमा जिसको कहते हैं, यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग कॉपी में लिख लेना भंगिमा, ठीक है। हिज गेस्चर इंडिकेट, इंडिकेट यानी संकेत देना, इंडिकेट दैट My answer were correct, कि मेरे उत्तर सही थे, ठीक है, and thus I
वॉज एडमिटेड टू द स्कूल, और मुझे स्कूल में एडमिशन यानी कि भर्ती मिल गया, ठीक है। ओके आगे देखें, बालीगंज गवर्नमेंट, हाँ बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल वॉज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ बेलताला रोड पुलिस स्टेशन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बेलताला, ये जो बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल था वह बेलताला रोड पुलिस स्टेशन के ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड का मतलब होता है पूरब की ओर, ठीक है, ईस्टर्न साइड यानी पूरब ओर, ठीक है, यानी कि बेलताला रोड पुलिस स्टेशन के पूर्व दिशा की ओर बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल। हाँ, द साउदर्न पार्ट ऑफ द स्कूल वाज आवर प्ले ग्राउंड, और साउदर्न, साउदर्न का मतलब होता है दक्षिण, एस ओ यू टी एच ई आर एन, साउदर्न यानी दक्षिण, दक्षिण की ओर क्या था, प्ले ग्राउंड था यानी कि खेल का मैदान, ठीक है, उनके खेल का मैदान। इट वॉज सराउंडेड बाई अ लॉफ्टी वॉल, लॉफ्टी का मतलब होता है बुलंद, बुलंद, और जो स्कूल था वो एक बहुत ही बुलंद लंबे दरवाजे से घिरा हुआ था, सराउंडेड यानी घिरा होना, घिरा होना, ठीक है। When seen from above, above यानी ऊपर, जब वो उस दीवार के ऊपर चढ़कर देखते थे, the school looked like the English letter T। जब वो उस दीवार के ऊपर चढ़ के देखते थे तो स्कूल कैसा दिखता था, ऐसा T अक्षर की तरह, ठीक है, इंग्लिश का जो लेटर होता है T उसकी तरह दिखता था। The vertical part of the T वॉज हॉल ऑफ द स्कूल, ठीक है, तो कह रहा है कि ये जो वर्टिकल पार्ट था ये वाला, ठीक है, वर्टिकल का मतलब क्या होता है, सीधा, ये जो सीधा वाला पार्ट था ये वर्टिकल का लिख लो सीधा, ये जो सीधा वाला भाग था ये स्कूल का क्या था, हॉल था, ठीक है। एंड द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज, क्षैतिज भाग था यानी कि ये वाला हिस्सा, ऑफ द लेटर वाज फॉर्म्ड बाय द रो ऑफ क्लासरूम, और क्या कह रहा है कि इस तरीके से क्लासरूम्स थे और इस तरीके से जो था वो आपका हॉल था, ठीक है, वर्टिकल पार्ट में हॉल था और हॉरिजेंटल पार्ट्स में क्या था, आपका क्लासरूम्स थे, ठीक है। के बाद द एनुअल, एनुअल का मतलब होता है वार्षिक यानी साल में एक बार जो होता है, द एनुअल प्राइज, प्राइज का मतलब होता है पुरस्कार, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, सेरेमनी माने समारोह, समारोह वॉज हेल्ड, हेल्ड का मतलब होता है आयोजित, तो जो वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह था वो कहाँ आयोजित होता था, इन दिस हॉल, हॉल में, ठीक है, विच हैड ए गैलरी एज वेल, और वहां पर क्या था, गैलरी भी था, गैलरी में मतलब प्रदर्शनी भी लगाई जा सकती है ना, चित्र वगैरह लटकाया जा सकता है, वहां पे एक गैलरी भी थी। फीस्ट, फीस्ट यानी दावत, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ एफ ई ए एस टी, फीस्ट यानी दावत, दावत क्या होता है, जो खाने पे बुलाया जाता है या खाना का समारोह किया जाता है। ऑन ओकेजन, ओकेजन यानी समारोह, ऑफ सरस्वती पूजा, तो सरस्वती पूजा के दिन जो दावत बुलाई जाती थी, वेयर ऑल्सो अरेंज्ड, कहाँ आयोजित होता था वो, हॉल में, ठीक है। आई स्टिल रिमेम्बर द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ शेक्सपियरियन प्ले इन
दिस हॉल। इसके अलावा इस हॉल में क्या होता था, इस हॉल में शेक्सपियर का जो विलियम शेक्सपियर है, इंग्लिश के बहुत बड़े पोएट है, राइटर है, ठीक है, इंग्लिश के बहुत बड़े पोएट और राइटर है शेक्सपियर, उनके जो प्लेज होते थे, प्लेज यानी ड्रामा नाटक, उनके जो नाटक होते थे वो उस हॉल में ही दिखाए जाते थे, ठीक है। जो बच्चा है वो वहां पर उस नाटक को देखा करता था। तो शेक्सपियर के नाटक का क्या नाम था, द प्ले वॉज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया जो नाटक है उसका नाम क्या है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। अ फ्यू सीन फ्रॉम विच वेयर परफॉर्म्ड बाय कपल ऑफ फॉरेन, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, ठीक है, जो दूसरे देश में रखते हैं, रहते हैं, फॉरेन यानी विदेशी, ठीक है। उसमें से कुछ जो सीन थे वो विदेशियों के द्वारा ही निभाए जाते थे, और उन एक्टर्स को क्या कहा जाता था, एक्टर्स कॉल्ड ग्रीनबर्ग एंड सलीम, ठीक है, ग्रीनबर्ग और सलीम के द्वारा। अ चार्ली चैपलिन मूवी वॉज ऑल्सो स्क्रीन हेयर वंस, एक बार यहाँ पर एक फिल्म चार्ली चैपलिन भी दिखाया गया था। आप चार्ली चैपलिन को जानते हैं ना, एक व्यक्ति रहता है हाथ में छड़ी लिए रहता है और उसकी छोटी सी मूछ रहती है, उसी को चार्लिन चैपलिन कहा जाता है। वो उसकी मूवीज में क्या होता है, साउंड नहीं होता है, आवाज नहीं होती है, लेकिन वो इस तरह की हरकत करता है जिसे देखकर आपको हंसी आ जाएगी। तो वो फिल्म भी वहां पर दिखलाया गया था, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पे जो फर्स्ट हमारा है वो खत्म हुआ। इसके बाद यहाँ पर एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिविटी वन देख लेते हैं। तो एक्टिविटी वन में कुछ क्वेश्चंस हैं, आइए हम इन्हें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ए नंबर टू ए नंबर जो है वो, टू विच स्कूल वॉज द ऑथर एडमिटेड, किस स्कूल में जो लेखक है उसे भर्ती किया गया था, ए नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर, स्कूल का नाम आपको बताना है, तो यहां पर आप लिखिएगा The author was admitted to the Baliganj Baliganj बालीगंज गवर्नमेंट government गवर्नमेंट आई आई स्कूल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर स्कूल का नाम लिख दिया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट वाज स्कूल हॉल यूज्ड फॉर, जो स्कूल था, स्कूल का हॉल था वो किस लिए यूज किया जाता था, ठीक है। तो बहुत सारे ये कार्यक्रम थे ना, आइए हम लोग इसका आंसर लिखते हैं, बी नंबर, ठीक है, आंसर लिखोगे लिखेंगे The school hall, was used for the annual prize distribution ceremony 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 and feast, ठीक है, feast feast feasts on सरस्वती पूजा,
सरस्वती पूजा, ठीक है, सरस्वती पूजा के लिए और एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए हॉल का यूज किया जाता था। अब आइए हम लोग आगे का देखते हैं। तीन, जो हमारा तीन नंबर क्वेश्चन है, तीन नंबर क्वेश्चन है हमारा, अगर आप बुक खोल के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। सी नंबर क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ए और बी कंप्लीट हो गया। सी नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले, जो शेक्सपियर का प्ले था उसका नाम बताओ, दैट वाज परफॉर्म्ड इन द हॉल, हॉल में जो शेक्सपियर का नाटक खेला गया था उस नाटक का नाम बताना है। ठीक है, आइए हम लोग करते हैं। ओके, तीन नंबर आंसर लिखेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये नाटक का क्या नाम था? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एक मिनट, MERCHANT, CHANT, मर्चेंट ऑफ वेनिस, VENICE, द मर्चेंट ऑफ वेनिस ऑफ द एक्सपीरियन, यहां लिख देती हूँ। PERE ANS, शेक्सपियरियन प्ले दैट वॉज परफॉर्म्ड परफॉर्म्ड इन द हॉल, इन द हॉल, ठीक है। और हमारा डी नंबर क्वेश्चन है, आप बुक में देख लीजिएगा कि नेम द टू फॉरेन एक्टर्स मेंशन्ड बाय द ऑथर, दो एक्टर्स के नाम बताओ, फॉरेन एक्टर्स के नाम बताओ जो इस नाटक में हमें देखने को मिले थे। क्या नाम बताया था? एक तो मैंने ग्रीनबर्ग और दूसरा सलीम, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे द ऑथर, ऑथर ऑथर यानी लेखक, AUTHOR, ऑथर का मतलब क्या होता है बच्चों? लेखक, ठीक है, जो इस कहानी को लिख रहा है। तो ऑथर मेंशन, मेंशन यानी बताया, ठीक है, उल्लेखित, उल्लेख किया, MENTION ED, मेंशन द नेम ऑफ द टू फॉरेन, FORTIGN, टू फॉरेन एक्टर्स आर, एक तो बताया था ग्रीनबर्ग, GREEN, ग्रीन बर्ग, BERG, ग्रीनबर्ग एंड सलीम, SALIM, सलीम, ठीक है। तो ये आपका जो है क्वेश्चन आंसर वाला एक्टिविटी वन खत्म हुआ। अब एक्टिविटी टू देखेंगे हम लोग, ठीक है। एक्टिविटी टू में क्या कह रहा है कि राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी जो वाक्य सही है उसके लिए टी लिखो और जो वाक्य गलत है उसके लिए एफ यानी फॉल्स लिखो, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं, ए नंबर, द ऑथर वेंट टू बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल विथ हिज मदर। यहाँ पे ध्यान देने वाला क्या बात है? मदर बोला गया है, मदर के साथ गया था वो अपने बालीगंज गवर्नमेंट स्कूल में, नहीं, मैटरनल अंकल के साथ, मामा जी के साथ गया था। तो ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स। बी नंबर, द बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल इज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ बेलताला पुलिस स्टेशन। तो ये जो बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल है वो बेलताला पुलिस स्टेशन के पूरब की ओर है, ईस्टर्न साइड, पूरब की ओर। ये जो है आंसर, वो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, ट्रू। सी नंबर देखो, द साउदर्न पार्ट ऑफ द स्कूल वॉज प्ले ग्राउंड, जो साउदर्न पार्ट है मतलब तो स्कूल के साउदर्न पार्ट में प्ले ग्राउंड है, ये बात सही है या गलत है? ये बात तो सही है, तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रू। इसके बाद, व्हेन सीन फ्रॉम द अबव द ऑथर्स स्कूल लुक्ड लाइक द इंग्लिश लेटर टी, ऊपर से चढ़ के देखने पर स्कूल जो था वो एल की तरह दिखाई देता था, नहीं, स्कूल कैसा दिखाई देता था? टी की तरह, तो फॉल्स है, ठीक है।
ये खत्म हुआ। इसके बाद आइए अब हम लोग एक्टिविटी थ्री देखते हैं। एक्टिविटी थ्री, ओके ये रहा। एक्टिविटी थ्री क्या है? मैचिंग है। लेट्स मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके साथ कॉलम बी में उनका मीनिंग दिया गया है, सही मीनिंग को मैच करना है। तो सबसे पहले होता है सम्स। सम्स का मतलब मैंने क्या बताया था? सवाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखा गया मैथमेटिकल प्रॉब्लम, तो हम लोग इसके आगे ए लिख देंगे। ठीक है, नोडेड। नोडेड का मतलब क्या हुआ था? मैंने बताया था सर को हिलाना। ठीक है, तो ये देखो, मूविंग द हेड अप एंड डाउन टू से यस। मूविंग द हेड, सर को हिलाना। हेड मतलब क्या होता है? सर। अप मने ऊपर, डाउन मने नीचे, हाँ बोलने के लिए सर को ऊपर नीचे हिलाना। तो ये होगा आपका बी नंबर। सराउंडेड, सराउंडेड मने घिरा हुआ, तो ये होगा एनसर्किल्ड, सी। फिर क्या है? फॉरेन, फॉरेन यानी विदेशी। समवन हु बिलोंग टू अनदर, अनदर यानी दूसरा। ठीक है, और कंट्री का मतलब क्या होता है? देश। बिलोंग मतलब जुड़ा हुआ, समवन मने कोई व्यक्ति, संबंध। ठीक है, संबंध हु बिलोंग टू अनदर कंट्री, जो कोई व्यक्ति जो दूसरे देश से जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉरेनर ही कहेंगे। तो इसका आंसर जो है वो डी होगा। ठीक है, और उसके बाद लास्ट बचा सिनेमा। सिनेमा यानी मूवी, ई नंबर। ठीक है, तो ये वाला आपको हो गया। इसके बाद देखिए एक्टिविटी फोर देखते हैं। आइए, ये रहा एक्टिविटी फोर। एक्टिविटी फोर में हर वर्ड का पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, पास्ट पास्ट पार्टिसिपल बताना है। ठीक है, आइए करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस वर्ड क्या है? है वेंट। वेंट यानी जाना। इसका क्या होता है? गो, वेंट और गॉन। ठीक है, ये आपको याद कर लेना चाहिए तो इजी हो जाएगा, गो, वेंट, गॉन। इसी तरीके से लुक का होता है लुक्ड, लुक्ड। लुक का पास्ट टेंस भी लुक्ड ही होता है। लुक, लुक का मतलब होता है देखना। ठीक है, इसका पास्ट टेंस लुक्ड होता है और पास्ट पार्टिसिपल भी लुक्ड ही होता है। ठीक है, इसके बाद पास्ट टेंस में क्या है? पास्ट यानी भूतकाल। ग्रेव, गेव। गेव का क्या होगा? गिव और गिविन। यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट टेंस में गिव, गिव, गेव, गिविन। ठीक है, इसी तरीके से शोन शब्द है, शोन का क्या होगा? शो, शो यानी दिखाना, showed past। ठीक है, shown। और use का, used, past participle क्या होगा? used। कहीं पर मतलब कहीं कहीं पर एकदम एक ही रहता है, past में भी वही रहता है, past participle में भी वही रहता है, same ही चीज रहता है, change नहीं होता है। ठीक है, ये भी वही चीज है, words में change नहीं हुआ है। अब जो है हमारा एक्टिविटी फाइव। एक्टिविटी फाइव क्या कहता है? एक्टिविटी फाइव कह रहा है कि फ्रॉम द सेंटेंस यू विद सुटेबल, फ्रॉम सेंटेंस ऑफ योर ओन विद द फॉलोइंग वर्ब्स। यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिया गया है और उसका आपको ठीक करके मतलब वाक्य रचना करना है, सेंटेंस बनाना है आपको। फॉर्म सेंटेंस यानी वाक्य बनाओ। सबसे पहला वर्ड क्या है? वेंट। आपको वेंट दिया गया है, वेंट से बनाना है। आप क्या कह सकते हो? वी वेंट सिनेमा, यानी हम लोग सिनेमा गए, ये सिनेमा देखने गए। ही की जगह आप लिख सकते हो ही वेंट सिनेमा, कुछ भी। ठीक है, इसी तरीके से लुक्ड, लुक्ड का यहां भी इजी कर लो, वी लुक्ड, ईडी है, फिर से लिख देती हूँ, एल डबल ओ के ई डी, लुक्ड। वी लुक्ड माउंटेन, एम ओ यू एन टी ए आई एन, माउंटेन इन हिमालया, एच आई एम ए वाई, हिमालय। ठीक है, हिमालया। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसके बाद क्या है? गिव, गिव। तो गिव का क्या कर सकते हो? द ट्री
गिव अस फ्रूट्स, ठीक है। के बाद का वर्ड क्या है? शो, SHOW, शो। शो का मतलब होता है दिखाना, वेंट मने होता है जाना, लुक्ड मने तुम्हारा होता है देखना, और गिव मने देना, और शो मने दिखाना, ठीक है। तो आवर एबिलिटी, शो आवर एबिलिटी इन प्रॉपर प्लेस, हमें सही जगह पर अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए। और लास्ट वर्ड क्या है यहाँ पे? यूज, यूज का आप लिख सकते हो वी यूज पेन ऑन दी कॉपी, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेंटेंस बन गया। आप चाहो तो कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही सेंटेंस लिखो। अगर आप सबसे इन सारे वर्ड से कोई और सेंटेंस बनाना चाहते हो तो वो भी बना सकते हो, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि ठीक से सेंटेंस बने, और अगर आपको यही लिखना है तो ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो खत्म हुआ। इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है वो एज ए सेकंड वीडियो, दूसरे वीडियो के रूप में लेकर आऊंगी, ठीक है। तो हम जल्द ही मिलेंगे, तब तक आप इसे कर ले। इसी के साथ धन्यवाद।